ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कस्टमर्स के सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हॉट ऑयल हमने यूज़ कैसे करना है, एंड सेकंड क्वेश्चन कि हॉट ऑयल बहुत अच्छे हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस हॉट ऑयल के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग इंग्रेडिएंट्स मैं इस हॉट ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज व्हीट। दराज पे फिजिकल प्रोडक्ट से ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो दराज पे आपको वीट ऑयल की प्राइस जो है वो 235 नज़र आ रही होगी, और कोकोनट ऑयल आपको दराज पे 500 में मिल रहा है। अगर आप दोनों की प्राइस को कलेक्ट करें तो टोटल कॉस्ट 735 बनेगी, और दोनों ऑयल्स आपको सेपरेट ऑर्डर करने पड़ेंगे। आपको दोनों ऑयल्स के अलग अलग डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि 450 वाला ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर 730 वाला। ऑब्वियसली हमारे पास जो 450 वाला है वो ज़्यादा सस्ता है। और फिर हमारे हॉट ऑयल का एक प्लस पॉइंट है कि डिफरेंट टेस्टिंग फेज से गुजारने के बाद ह्यूमन टेस्टिंग होती है कि आया जिस पर्पज़ के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है, क्या ये प्रोडक्ट्स वो बेनिफिट्स प्रोवाइड भी कर रहा है, क्या ये वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है या नहीं, देन उसे इंटरनेशनली लॉन्च किया जाता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 65 प्लस कंट्रीज में जाना होता है। हॉट ऑयल के दोनों इंग्रेडिएंट्स ही नेचुरल हैं, वीट भी एंड कोकोनट इंग्रेडिएंट भी। अब हम इस हॉट ऑयल के बेनिफिट्स के अबाउट बात कर लेते हैं, देन हम यूजेज की तरफ मूव करेंगे। ये हॉट ऑयल नॉन ग्रीसी है और बहुत ही लाइट वेट है। ये हॉट ऑयल सिलिकॉन फ्री है और पैराबेन फ्री है और बायोडिग्रेडेबल फार्मूलेशन है। बालों को गिरने से रोकता है और नए बाल उगने में मदद करता है। मींस डैट कि अगर कोई गंजा है तो उसके सर पर भी बाल आ सकते हैं। इसको हर एज वाला पर्सन यूज़ कर सकता है, इसको मर्द और ख़वातीन दोनों यूज़ कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल्स। डैमेज हेयर्स को रिपेयर करता है और मॉइस्चराइज करता है और कंडीशन करता है। आप सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। आपने एक कप ले लें या एक बाउल ले लें या जो भी आपके पास चीज़ है उसमें आपने पानी ले लेना और उस पानी को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने जो हॉट ऑयल है वो 1 मिनट तक उसके अंदर रखना है। अब ये जो मैंने आपको इसकी नोज़ल दिखाई थी, ये वाली जो आपकी नोज़ल है ना, ये उस पानी के अंदर डिप होनी चाहिए। 1 मिनट के बाद आपने हॉट ऑयल निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको आराम आराम से रोटेट करना है। जैसे इसको आप आराम आराम से रोटेट करेंगी तो ये ओपन हो जाएगा बिल्कुल, और जब आप इसको ओपन कर लेंगी तो देन ये जो आपके ऊपर एक बारीक सी नोक नज़र आ रही है इसी को आपने पकड़ना है, और वो जो आपका होल जहाँ से आपका ऑयल निकल रहा है उस होल के अंदर आपने ये बारीक सी नोक डाल देनी है, और इसको ऊपर से जैसे हम कैप बंद करते हैं तो आपने वैसे बंद करना है, तो ये इजीली बंद हो जाएगा और कहीं से लीकेज नहीं होगा। आप इसको जैसे चाहें आप इसको रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। और फिर जैसे आप कैप को बंद करती हैं वैसे आपने बंद भी कर देना है इसको। उसके बाद आप इसको 1 मंथ में 1 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 बार मंथ में लेना इसको इनफ है। वैसे इस हॉट ऑयल के ऊपर लिखा हुआ है कि लव नेचर हॉट ऑयल फॉर ड्राई हेयर्स, लेकिन इसको ऑल हेयर टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। इस हॉट ऑयल की जो सबसे खूबसूरत बात है, जिस वजह से इसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो है इसकी फ्रेग्रेंस। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 खूबसूरत है। अभी हमने ओपन भी नहीं की हुई होती और इसकी फ्रेग्रेंस हमारे पास आ रही होती है।